हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। एक्चुअली ये मेरा क्लासरूम नहीं है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं और हूँ और यहाँ पे ना तो कोई ब्लैक बोर्ड है और ना ही कोई वाइट बोर्ड है, इसलिए मैं इस तरह के जगह पे शूटिंग कर रही हूँ। और जो कुछ भी मैं बोर्ड में लिखती थी वो सब यहाँ पे आपको बगल में अपीयर होगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ। जो टॉपिक मैं आज आप लोग को बतलाऊंगी वो टॉपिक है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। थिएटर कहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे प्लेज किए जाते हैं या फिर खुद ड्रामा या प्ले को भी थिएटर कहा जाता है। यहाँ पे वही सेंस है उस वर्ड का। और एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब समथिंग दैट इज डिवॉइड ऑफ पर्पज, मतलब जिसका कोई पर्पज नहीं, दैट इज एब्सर्ड। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से क्या सेंस है? जब ये अराउंड वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये टर्म आया तो इसका क्या सेंस था कि ये जो ऐसे ड्रामा होते थे इस जेनर के, इस टाइप के जो ड्रामा होते थे वो किस बात पे एम्फसाइज करते थे कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है इस अर्थ पे, जो मानव जाति का एग्जिस्टेंस है, दैट इज मीनिंगलेस, इरेशनल है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पज नहीं है। ऐसे ड्रामा इस बात को एम्फसाइज करते थे। और ये सब इस चीज़ को वो कैसे एम्फसाइज करते थे? तो जो कैरेक्टर्स होते थे इन ड्रामाज में जो कैरेक्टर्स होते थे वो एक जो डायलॉग्स कन्वे करते थे उसमें कोई सीक्वेंस ही नहीं होता था, डिसजॉइंटेड डायलॉग्स होते थे। एक डायलॉग और दूसरे डायलॉग में कोई लिंक ही नहीं था, कोई सीक्वेंस ही नहीं होता था। प्लस एक लगता था कि कोई पर्पजलेस एग्जिस्टेंस जी रहा है वो जो कैरेक्टर है वो। और प्लॉट्स भी बहुत लॉजिकल, प्लॉट्स में भी जो स्टोरी है, जो प्लॉट है वो, उसमें कोई लॉजिकल डेवलपमेंट होता सा नहीं दिखता था। सब कुछ काफ़ी कंफ्यूजिंग सा दिखाई देता था ऐसे प्लेज में। तो बेसिकली उतने थिएटर ऑफ एब्सर्ड होते हैं, ये देखने में कम्प्लीटली मीनिंगलेस साउंड करते हैं, कंफ्यूजिंग साउंड करते हैं। कैरेक्टर्स बहुत अजीब से पैनिक स्ट्राइकिंग दिखाई देते हैं, डरे हुए, घबराए हुए, कुछ कुछ करते हुए, अजीब अजीब तरह की चीज़ें करते हुए दिखलाई देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये ड्रामा मीनिंगलेस होते हैं, सारे ड्रामाज में कुछ ना कुछ एक हिडन, एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग होता है। अब ये टर्म जो है वो पहली दफा थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ऐसा नहीं है, एब्सर्डिज्म और एब्सर्डिस्ट फिक्शंस पहले भी लिखे जाते थे। लेट 1950s और अर्ली 1960s में ये लिखे जाते थे। तो ऐसा नहीं था कि पहले नहीं लिखे जाते थे, लेकिन एक्चुअली में थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक टर्म की तरह क्वाइंड हुआ अराउंड 1960s में, जब जो एक क्रिटिक थे, वो क्रिटिकल वर्क्स लिखते थे, मार्टिन एस्लिन, उन्होंने अपने एसे में ये वर्ड क्वाइन किया। एसे का नाम ही था द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड अराउंड 1960s में। कहीं पे 1960 लिखा है, कहीं पे 1962 लिखा है, तो ऐसा लेके चलते हैं कि अराउंड अर्ली 1960s में उन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था। और इस वजह से इस जेनर का, इस टाइप ऑफ फिक्शन का, टाइप ऑफ प्ले का नाम उन्होंने दिया, और इस वजह से उनको फादर ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी कहा जा सकता है। उनके हिसाब से एब्सर्डिज्म क्या है? इट इज अ इनएविटेबल डिवैल्यूएशन ऑफ आइडियल्स, प्योरिटी एंड पर्पस। मतलब क्या है कि एक ये ऐसा क्यों आता है, ऐसा हमें क्यों ऐसा फील होता है कि सब कुछ एक पर्पसलेस है? तो एब्सर्डिज्म क्या है, मैंने एब्सर्ड, किसी को कहते दैट यू आर साउंडिंग कम्प्लीटली एब्सर्ड, मीन्स कि तुम्हारे बात में कुछ अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है, इसका कोई सर पैर ही नहीं है। ऐसा हम लोग अपने मीन्स बातचीत की भाषा में कहते हैं कि कोई बात का सर पैर ही नहीं है, मीन्स इट्स क्वाइट मीनिंगलेस। तो ये एब्सर्डिज्म कैसे आता है, खासकर एज अ प्ले में कैसे डेवलप किया? तो ये कब होता है? जब एक डिवैल्यूएशन हो जाता, कोई हमारे पास जीने के लिए कोई पर्पज ही नहीं होता, कोई आइडियल्स, कोई आदर्श ही नहीं होता जिसको लेकर के हम लाइफ को कंटिन्यू कर सकें, कोई प्योरिटी नहीं होती। इसका जब डिवैल्यूएशन इन चीज़ों को हो जाता है, आइडियल्स का, प्योरिटी का, पर्पस का, तब जाकर के उन चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन जब आता है तो दैट लीड्स टू एब्सर्डिज्म। उससे एब्सर्डिज्म एज अ फीलिंग, एज अ थिंग ये आता है। तो इसलिए एब्सर्ड और प्लस एब्सर्डिज्म इनएविटेबल है, ये हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में कभी ना कभी हमको ये फील होता ही है। और खास करके वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जब एक बहुत ही क्राइसिस का सिचुएशन था, बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था उस वक्त, तो उसके बाद खास कर ये एक मीनिंगलेस का फीलिंग लोगों के अंदर डेवलप किया। और द
अदर पॉइंट इज कि एब्सर्डिज्म, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये कोई ऐसा मूवमेंट डेवलप जरूर किया पर ऐसा नहीं था कि कोई फॉर्मल वे में डेवलप किया, क्योंकि कोई मीटिंग्स वगैरह कुछ नहीं हुए थे, कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं लाए गए थे, किसी ने कोई एक कॉन्शियस वे में इस मूवमेंट को लीड नहीं किया था। इस वजह से जो भी इसमें रिबेल्स थे जो मूवमेंट को लीड करते, वो सब अकेले थे, क्योंकि हर किसी का जो आप पढ़ेंगे थिएटर ऑफ एब्सर्ड डिफरेंट राइट डिफरेंट प्ले राइट्स का जो कि प्लेज लिखते हैं, उनका जब आप पढ़ेंगे इसी टॉपिक पर वर्क्स पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंसेस दिखाई देंगे। दैट मीन्स कि एज अ मूवमेंट ये इवॉल्व तो किया पर हर कोई एक लोनली रिबेल था, उनके बीच कोई एज सच कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस मूवमेंट को करें ऐसा नहीं था। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में उस समय के डिफरेंट प्ले राइट्स के अंदर इमर्ज किया और सबने अपने अपने तरीके से काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज जरूर हैं पर काफ़ी डिफरेंट वेज में इस प्ले को लिखा। एब्सर्डिस्ट ड्रामा होता है दैट आस्क्स इट्स व्यूअर टू ड्रॉ इट्स ओन कंक्लूजन, जो भी व्यूअर है जो देख रहा है वैसे ड्रामा को, तो इट जो ड्रामा है वो कोई कंक्लूजन नहीं कन्वे करता, वो चाहता है कि जो व्यूअर है वो खुद अपना कंक्लूजन ड्रॉ करे कि अगर एक पर्पजलेस लाइफ है तो वेयर शुड दे फाइंड पर्पस। क्या एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो ड्रामा कन्वे करना चाह रहा है, ड्रामा ये कंक्लूड करके नहीं बताता, ये व्यूअर को खुद से अपने हिसाब से उसके डिफरेंट कॉन्क्लूजन्स निकालने पड़ते हैं और अपनी खुद की जो एरर्स होते हैं वो हर व्यूअर को खुद समझना पड़ता है, वो कोई क्लियर वे में कुछ कन्वे नहीं करता। हाँ वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कन्वे ज़रूर करता है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज अ पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मैंने मीन्स आप सेंस से कि एक नाम दिया गया, थिएटर ऑफ एब्सर्ड वैसे फिक्शंस वैसे प्लेज को एक टर्म दिया गया जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद लिखे गए और वो एब्सर्ड टाइप के फिक्शन में डील करते थे, मीन्स एक मीनिंगलेस टाइप का जो एक वैरायटी है एब्सर्डिस्ट फिक्शन का जो टाइप है उसमें डील करते थे वर्ल्ड वॉर टू के बाद लिखे गए खासकर यूरोपियन और अमेरिकन प्ले राइट्स के द्वारा। अब क्या होता है, कोई भी ड्रामा या प्ले होता है तो उसके कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि एक्टर समझता है और वो ऑडियंस भी समझता है। अगर कैरेक्टर कोई चीज़ कैरेक्टर के थ्रू जो एक्टर है या फिर जो ड्रामेटिस्ट है वो कोई बात को कन्वे करना चाहता है तो एज कन्वेंशंस एज रूल्स ऑडियंस उस बात को समझ जाता है। लेकिन इस थिएटर ऑफ एब्सर्ड के टाइप के जो प्लेज थे, जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड प्लेज थे, उनके साथ क्या था ऐसे प्लेज कि इनका ये कोई कन्वेंशंस ट्रेडिशनल कन्वेंशंस उसको फॉलो नहीं करते थे, जैसे कि इसमें ड्रामेटिक एक्शन बहुत ही कम होता था। सेकंड चीज़ को लॉजिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होते थे, कोई एक रैशनैलिटी नहीं होती थी, बहुत जगह पर ऐसा भी होता था कि प्लॉट जो है वो मिसिंग होता था, लेकिन मिसिंग होती थी लेकिन जो कैरेक्टर्स होते थे उनको दिखाया जाता था कि वो बहुत ही एक बिजी शेड्यूल एक बिजी वे में कुछ काम कर रहे हैं, इस बात को एम्फसाइज करने के लिए कि वो कितना भी बिजी क्यों ना हो नथिंग इज गोइंग टू हैपन, द फैक्ट दैट नथिंग हैपन्स टू चेंज देयर एग्जिस्टेंस, कोई भी चीज़ उनके एग्जिस्टेंस को उनके एक मीनिंगलेसनेस को पर्पज का ना होना डिअवॉइड ऑफ पर्पज उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकती है। जो सबसे अच्छे प्लेराइट माने जाते हैं एक तरह से, हाँ मार्टिन एस्लिन को हम फादर कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने उस टर्म को क्वाइन किया था थिएटर ऑफ एब्सर्ड, लेकिन रियल मीनिंग में जिन्होंने इस टर्म पे इस टाइप के जेनर पे जिन्होंने प्लेज लिखे इस चीज़ को जस्टिफाई किया, प्लस ना सिर्फ जस्टिफाई किया ना तो सिर्फ खुद प्रोलिफिकली लिखा बट उसके साथ साथ इस मूवमेंट को उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया, एंड दैट इज सैमुअल बेकेट। उनका जो प्ले था वेटिंग फॉर गोडो, ये फ्रेंच में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा गया था और इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, स्पेलिंग होता है GODOT पर टी साइलेंट रहता है एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज गोडो, अराउंड 1953 में लिखा गया था। और इसमें वो शो करते हैं कि कैसे दो कैरेक्टर हैं जो कि एक मिस्टीरियस से कैरेक्टर का एक मिस्टीरियस से चीज़ का वेट कर रहा है जिसका नाम है गोडो, उनको पता भी नहीं कि ये कौन है, वो फाइनली आएगा भी या नहीं आएगा उनको नहीं पता, लेकिन फिर भी जस्ट वो वेट कर रहे हैं और बीच बीच में साइलेंस को ब्रेक करने के लिए वो कुछ आवाज़ निकालते हैं
और दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं, जो गोडो का वेट कर रहे, वो ट्रैम्प्स है, वो वेगाबॉन्ड्स है, वो आवारा है। और प्लस इस प्ले में जो प्लॉट है वो बहुत अच्छे से एक लॉजिकली डेवलप नहीं किया हुआ है। इस तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड के, जिनको कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है, तो आप वो देख लीजिए। तो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। मैंने सभी चीज़ों को एक छोटे से फॉर्म में कंबाइन करने की कोशिश की है, बी इट फीचर्स, थीम, कैरेक्टर्स कैसे होते, प्लॉट होता है या नहीं, सब चीज़ों को। एक्चुअली इसका वीडियो बनाने जाती तो शायद बहुत बड़ा हो जाता, तो मैंने छोटे में कंबाइन करने की कोशिश की कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा आ जाए और टॉपिक भी क्लियर हो। तो अगर आपको समझ आया हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे मेरे FB पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। तो जब तक ये लॉकडाउन है, इसी तरह मैं वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती रहूँगी। होप आपको यह तरीका पसंद आए। दैट्स ऑल, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, keep smiling, have wonderful days.